बैठो गाड़ी, बैठो पीछे, चलाओ गाड़ी। हम चला रहे हैं। जय चलाओ गाड़ी, चलाओ आराम से चलाना ना। कहाँ लगा है? वो नहीं, बहुत जगह लगाया, स्पीड नहीं। गाड़ी कौन चलाएगा? चलाने के लिए बोले इतना सही चला रहे थे इतने दूर से। इधर आओ, इधर आओ, बैठो। अबे अपना ही गाइज़, ये है V3 BA6। ऑल दो इस पर बहुत सी वीडियो मैं बना चुका हूँ, बट अभी जो इसकी कंडीशन हो चुकी है ना यार, सीरियसली आप देख के शौक हो जाओगे। और ये गाड़ी आप पहले देखो और देखने के बाद मुझे बताओ कि ये कितनी पुरानी हो सकती है, क्योंकि इस गाड़ी का कंडीशन अभी स्टोरी में पूरी बताऊँगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और जिस भाई की गाड़ी है उसको भी बुलाऊँगा। एक्चुअली एक्सीडेंट हो गया था, आगे की वीडियो देख के आप लोगों को पता होगा, तो भाई की भी थोड़ी सी ज़्यादा चोट वोट लग गई है। तो दिखाते हैं, पहले गाड़ी की कंडीशन देखो आप लोग। ये यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे इसका पेंट वेंट छोड़ दिया है। और ये इसका देख सकते हैं क्लच है, क्लच लीवर बिल्कुल टेढ़ा हो चुका है। और ये देख लो, ये पूरा ये रग्ड हो चुका है इसका फ्रेम आगे का। और दिखाता हूँ, ये यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी रग्ड है, मिरर पर भी पूरा ये रग्ड हो चुका है। और आगे दिखाते हैं आपको, ये इसका जो वाइज़र है यहाँ पे भी ये होल हो चुका है गिरने के वजह से, इतनी बार गिरी है। और ये देख लो, ये मिरर पे भी ये रग्ड हो चुका है इसका। और ये यहाँ का फ्रेम तो देखो बिल्कुल होल हो चुका है, उस दिन जो राइड पे गिरी थी गाड़ी इस साइड से ही गिरी थी। और यहाँ पे देख लो, पूरा रग्ड होके होल हो चुका है गाड़ी में। और इसका दिखाते हैं, इधर से आओ, ये मिरर पहले ही टूट चुका था इसका वो इंडिकेटर, और अभी दूसरा लगवाया था भाई ने, बट ये भी लोकल था तो ये भी ज़्यादा देर तक टिका नहीं, टूट गया। और ये गाड़ी का ये वाला पार्ट जो होता है, जो लाइट यहाँ आती है, ये टूट चुका है। और सीट काउल देख सकते हैं, इसका कंडीशन क्या बेकार हो चुका है। और साइलेंसर पूरा देख रहे हैं, कितनी स्क्रेचेस बिल्कुल इधर तक आ गया है निकल के। अभी की कंडीशन कुछ ऐसी है गाड़ी का। तो गाइस, अब आप लोग बताओ ये गाड़ी कितनी पुरानी हो सकती है, और अभी फ़िलहाल की कंडीशन जैसे आप लोग देख सकते हैं उसी हिसाब से बताओ। तो गाइस, मैं बिना टाइम के बता दूँ आप लोग को, ये गाड़ी ज़्यादा नहीं, मार्च में गाड़ी लिया था मेरे भाई ने, तो मार्च की गाड़ी है। बट इस गाड़ी को इतनी बार गिरी है गाड़ी, और मतलब काफ़ी रफ़ यूज़ हुई है एक तरह से देखे तो, और काफ़ी बेकार कंडीशन हो गया है। बट अभी इसका जो हम लोग मॉडिफिकेशन करने वाले हैं ना, तो ये गाड़ी अभी आपने देख लिया बट अभी पहचान नहीं पाओगे, इतनी ज़्यादा मॉडिफिकेशन और ओवरलोडेड बनाने वाले हैं इस गाड़ी को। और उस दिन राइड पर जो एक्सीडेंट हुआ था वो इस साइड ही गिरी थी। और भाई को दिखा देते हैं जहाँ चोट लगी है भाई को। शिवम भाई आओ ना, तो अभी बुलाते हैं, इधर ही दिखाओ ना। तो भाई चल रहे थे उस दिन, और ड्यूक 200 थी वहाँ पे, और रेस हो रहा था उस समय, मेरा कैमरा बंद था अनफॉर्चुनेटली। और देख लो नीज़ पे पूरा ये दिखाना भाई, इस वाले नीज़ पे भी ऑलरेडी पहले से एक एक्सीडेंट हुआ था, और दोबारा से भी एक उस दिन हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा जो है कि चोट लग चुका है। बस बस सो भाई की कंडीशन बहुत ख़राब है, चल नहीं पा रहे हैं, एकदम बेड रेस्ट पे हैं। और गाड़ी तो आप लोग देख ही रहे हो, काफ़ी बेकार कंडीशन हो चुकी है। और एक बात और बता दूं, इस गाड़ी का हम लोग पेंट स्कीम चेंज करने के लिए सोच रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग के पास कोई ग्राफिक हो, अच्छी ग्राफिक,
तो सजेस्ट करो, इंस्टाग्राम पे डीएम करो, क्योंकि इसको हम लोग टोटली चेंज करने वाले हैं। सारे स्पेयर पार्ट्स वगैरह हम लोग नए डलवाएंगे इसमें, और क्लेम पे अभी गाड़ी है तो देखेंगे क्या क्या चीज़ चेंज हो सकती है, और बाकी इस गाड़ी का पूरा लुक चेंज करके आप लोग को उसकी वीडियो बना के दिखाएंगे। सो अभी ये थी इस गाड़ी की इतनी बेकार कंडीशन, देख लो, देख सकते हो, बट आफ्टर रिजल्ट जो देखोगे वो कुछ और ही होने वाला है। सो गाइस, ये कुछ वीडियो थी जो आपके साथ शेयर करना था। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो, और प्लीज़ 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 सजेस्ट करो इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन करवानी चाहिए, इंस्टाग्राम पे डीएम करो, और प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मेरे भाई करो, प्रे करो कि जल्दी ठीक हो जाए, फिर से राइड वाइड स्टार्ट हो, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सजेस्ट करो, तब तक सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, पीस एंड लव।